बेहतर है। ओके गुड। आनिया ज्वाइन कर रही है, फिर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर आपने अटेंड कर लिया था रिकॉर्डिंग से? रिकॉर्डिंग चेक कर ली थी? रिकॉर्डिंग सर मैं सोने के बाद मम्मा ने देखी। अच्छा, फिर आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट मैंने आगे करवाए थे। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, फिर ओके वो आप देख लीजिएगा। बाकी आज मैं कंटिन्यू करते हैं। लिस्ट का जो टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, कैन यू हेयर मी? ज्वाइन हो गए आप? यस ठीक है। तो आज ठीक है, स्क्रीन मेरी शेयर हो गई आप लोगों के साथ? यस ओके। तो अब ऐसा करते हैं कि लिस्ट एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है? और उसके अंदर हम अपने कुछ नंबर्स डालेंगे और वो हमें ये बताएगा कि उसमें से इवन नंबर्स कितने हैं, ठीक है? पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, नंबर्स की। और इसमें मैंने लेट से 1 से 10 तक मैंने इसके अंदर नंबर्स दे दिए। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि ये जो लिस्ट है ना हमारी, इसके अंदर नंबर्स हैं, इसमें से हमें इवन नंबर सेपरेट करने, ठीक है? इवन नंबर तो पता है ना किस में क्या होते हैं, ठीक यस है? गुड। लेकिन जब हम पाइथन का कोड लिख रहे होते हैं तो इवन नंबर चेक करने का तरीका याद है आपको? हमने इवन नंबर का कोड बनाया था। डिवाइडेड बाय 12 के अगर उसका मॉड्यूलस 0। गुड। तो हम 2 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे और उसका मॉड्यूलस 0 आएगा तो वो हमारे पास इवन नंबर होगा, ठीक है? इसका क्या मतलब है, जैसे लेट से 4 है, उसको मैं डिवाइड कर दूं लेट से 2 से, 2 से डिवाइड कर दूं और उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। लेकिन हम रिमाइंडर के लिए जो मॉड्यूलस आन होता है वो यूज़ करते हैं ये परसेंट वाला, ठीक है? तो अब मैंने कल ये हानिया को भी एक बात समझाई थी कि जब हम कोई चीज़ सेपरेट कर रहे होते हैं किसी दूसरे चीज़ में से, चाहे वो वेरिएबल हो, स्ट्रिंग हो, या फिर हमारे पास लिस्ट हो, तो हम एक एक्स्ट्रा जो है ना वेरिएबल या लिस्ट या स्ट्रिंग बना रहे होते ताकि हम सेपरेट करके उसमें स्टोर कर सकें, ठीक है? अगर मैं फिर से बता ओके देता हूँ ताकि मुबशिर के भी समझ में आ जाए। कल मैंने हानिया को बताया था, लेट से ये हमारे पास एक बोल है, ठीक है? इसके अंदर लेट से कुछ हमारे पास नट्स रखे हैं। अब इसमें से जो है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट से इसके अंदर आलमंड और पीनट्स हैं, ठीक है? 2 नट्स हैं इसके अंदर। अब आपने लेट से पीनट्स को सेपरेट करना है तो आप क्या करेंगे, एक एम्प्टी बोल लेंगे, ठीक है? और इसमें से जितने भी पीनट्स हैं वो इस वाले बोल में शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसे क्या होगा, जितने भी नट्स हैं उसके अंदर से पीनट्स अलग हो जाएंगे और बाकी जो नट्स हैं वो अलग रह जाएंगे, ठीक है? तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या करा आपने, एक एम्प्टी बोल लिया और उसके अंदर जो भी हमें चाहिए था, चाहे वो आलमंड था, पीनट्स था या कोई भी दूसरी चीज, तो वो आप सेपरेट कर लेंगे, ठीक है? इसी तरीके से अब जब हम पाइथन के अंदर कोड लिख रहे हैं, हमारे पास बनी बनाई एक लिस्ट है, ठीक है? हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है नंबर्स की। अब हमने इवन नंबर को सेपरेट करना है तो इसका मतलब मुझे एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी, जो कि पहले उसको एम्प्टी रखेंगे, फिर उसके अंदर एक एक करके हम इवन नंबर डालते जाएंगे, ठीक है?
समझ में आ रहा है मुबशर आपके ये? ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और लिस्ट बना देता हूँ इवेंट, लेट्स से इवेंट नंबर के नाम से, और इसको इनिशियली हम एम्प्टी रखेंगे क्योंकि लेट्स से ये जो नंबर्स हैं हमें नहीं पता ये कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि इवेंट नंबर्स का कौन से आने हैं इसमें, हमें लिमिट नहीं पता, हमें नंबर नहीं पता। ठीक है, तो इस वजह से हमने अभी एम्प्टी रखा है। अब हमने करना क्या है कि एक एक करके जब हम नंबर्स को चेक करेंगे तो मुबशिर आप मुझे बताएंगे हम पाइथन का कौन सा सेंटेंस यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक काम हमने बार 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 रिपीटेडली करना है और एक एक करके चेक करना है। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या चीज यूज करूं? लेट्स से मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, अगर यहाँ पे हम लूप यूज करेंगे या फिर इफ एल्स यूज करेंगे। इफ एल इफ एल्स, ठीक है, तो इफ एल्स हम किस सेंटेक्स में यूज करेंगे? चलें ठीक है, अभी इसको सीखते। तो वशिर ने ठीक कहा, हम इफ एल्स भी यूज करेंगे। ठीक है हानिया, अब आप मुझे बताएं क्या सिर्फ इफ एल्स से काम हो जाएगा या फॉर लूप भी यूज करना पड़ेगा? आई थिंक फॉर लूप यूज ठीक है, फॉर लूप भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमने करना क्या है, एक एक नंबर को उठाकर अलहदा अलहदा क्या करना है, सेपरेटली चेक करना है क्या ये इवन नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर लूप लिख देते हैं। फॉर, लेट्स से मैं यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, नम इन नंबर्स। ठीक है, अब ये जो नम है ना, ये हमारे पास किसके लिए काम कर रहा है, नंबर्स के लिए। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं, और ये नंबर्स हैं क्या, बेसिकली एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे सारे नंबर्स स्टोर हैं। अब बच्चे ने इफ एल्स का बताया तो डेफिनेटली हम इफ यूज करेंगे, इफ नम, फिर यहाँ पे एक मॉड्यूलस का साइन लगाएंगे, मॉड्यूलस 2 इक्वल्स 0। ठीक है, इस कंडीशन से हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो हमारा पास नंबर है उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब वो इवन नंबर है। ठीक है, अब जब वो इवन नंबर हो तो उसको क्या करना है, उसको स्टोर करना है उस नंबर को इस इवन नंबर के अंदर, ये जो एक लिस्ट है। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा इवन नंबर डॉट अपेंड नम। अपेंड वाला हमने सीखा था ना कैसे करते हैं, यस एक एक करके वेरिएबल अपेंड हो रहा होता है, इसको मतलब वो उसके अंदर ऐड हो रहा होता है। तो अब होगा क्या, इवन नंबर ये लिखा हुआ, इवन नंबर एक लिस्ट है, इवन नंबर डॉट अपेंड, इसका क्या मतलब है कि इवन नंबर के अंदर ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, नम। ठीक है, नंबर, और नंबर कब ऐड होगा, जब वो %2 इक्वल इक्वल 0 होगा, इसका मतलब जब वो इवन होगा जब ही उसके अंदर ऐड होगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, यहाँ पे एक लिस्ट बनी है नंबर्स के नाम से, इसमें सारे नंबर्स स्टोर हैं, फिर मैंने एक इवन नंबर के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना दी। अब जब एम्प्टी लिस्ट बना दी, मैंने एक लूप चलाया जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया नम, यानी नंबर, वो कहाँ किसके को काउंट कर रहा होगा, नंबर्स को। अब होगा ये, जब वो एक ये जितने भी नंबर्स हैं एक एक करके वो चेक करेगा, जो भी नंबर इवन होगा वो क्या कर देगा, इवन नंबर वाले लिस्ट के अंदर उसको अपेंड कर देगा, मतलब उसके अंदर ऐड कर देगा। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट। ठीक है, मैंने लिख दिया इवन नंबर फ्रॉम द लिस्ट आर इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, यहाँ पे एक लिस्ट है जो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। ठीक है, अब इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारा कोड ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब इसने क्या आउटपुट दे दिया, इवन नंबर फ्रॉम द लिस्ट आर 2, 4, 6, 8 एंड 10। यही है हमारे इवन नंबर। मैं इसको ना और ज़्यादा इवन नंबर, और ज़्यादा नंबर दे देता हूँ, 11, 12, 13, 14, 16। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो अब आप देखें कि जितने भी इवन नंबर्स थे 10 से अबव, 12, 14 और 16, तो उसने इवन नंबर की हमें लिस्ट ला कर दे दी है। ठीक है, समझ में आया ये कोड। हेलो, कैन यू हेयर मी? यस ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पूछ ले। ठीक है, तो कोड को समझने के लिए ना आप लाइन वाइज और सीक्वेंस वाइज उसको जैसे आप देखेंगे ना तो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको आप अपने पास प्रैक्टिस करें। ठीक है, याला कोड अपने पास चला है, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। स्क्रीन स्टॉप कर देता, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें मुझे। आप उस पुराने वाले कोड को मॉडिफाई कर रही है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। बेस्ट प्रैक्टिस अभी, क्योंकि आप लर्निंग स्टेज पे हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये कि कोड को मॉडिफाई ना करें, स्टार्ट से बनाना शुरू करें, ताकि एक वो पूरी सीक्वेंस चलती हुई आ रही हो। ठीक है, पांडे भाई कोई कंफ्यूजन है? ठीक ऊपर पहले के ऊपर है। हाँ हूँ
क्या होगा मुझे पता है तुझे दर्जी क्या है सर किसको अपेंड करेंगे? ठीक है, अपनी स्क्रीन शेयर करें पहले कोड वाली। सही है, तो आप यहाँ पे जो है, हाँ, नंबर ही अपेंड करेंगे क्योंकि नंबर जो है, जी सही है, आपने लिखा ठीक है, लेकिन जब आपने लाइन नंबर 2 में लिस्ट क्रिएट नहीं करी है, वहाँ पे आपने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए सिर्फ आपने ब्रैकेट्स लगा देंगे तो वो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। है सर, मैं ठीक है, इसको अपने पास सेव कर लें, फिर मुबशर आप भी इसकी प्रैक्टिस करें। इस पे हेडिंग ये लिख दें, सेपरेट इवन नंबर्स फ्रॉम अ लिस्ट, ताकि आपको पता हो कि आपने कोड में लिखा क्या है। ठीक है, मुबशर आप भी इसकी प्रैक्टिस करें अभी। मुबशर
जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस वाइज ही दें, आप कोई से भी नंबर दे सकते हैं अपनी मर्जी से। कोई कंफ्यूजन? हेल्प चाहिए?
हो गया। रन करें इसको। हाँ क्या मिस्टेक बता रहे, चेक करें लाइन नंबर 4 और देखें ये एरो बना क्या आपको दिखा रहा है। जी ठीक है, तो अब ये आपकी क्या हो गए, इवन नंबर आपके जो है प्रिंट होकर आ गए। ठीक है, समझ में आ गया ये। ठीक है, अब आपने करना ये है कि ठीक है पहले इसको सेव कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना। अब आपने करना ये है कि अपने लिस्ट में से ऑड नंबर को सेपरेट करना है। कर सकते हो मुबशर आप? जी आपने ये करना है अपने लिस्ट में से अब ऑड नंबर को सेपरेट करना है। स्क्रीन पे जाएं, अपनी स्क्रीन शेयर करें मुझे। आवाज आ रही है मेरी? यस ठीक है, अब आपने ये इवन नंबर के लिए बनाया है ना। अब देखें जब हमारे पास कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा और उसका मॉड्यूलस आप कह लें या रिमाइंडर कह लें 0 के इक्वल होगा तो डेफिनेटली वो इवन होगा, और अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो अब आप इस कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं ऑड नंबर के लिए। क्या आप कर सकते हैं? ऑड नंबर वाला भी सीखा था ना हमने कि किसी नंबर को ऑड नंबर कैसे बनाते हैं, मतलब चेक करते हैं। ठीक देखा तो था, याद है कॉन्सेप्ट? कुछ याद आ रहा है? नहीं। देखें अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो वो हमारे पास क्या है, इवन है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास ऑड है। अब समझ में आया? कर लिया ये पहले से ही। रन करें इसको। ठीक है, गुड। मुबशर अब आपके समझ में आया? नॉट इक्वल के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देन इक्वल। ठीक है, जैसे हाँ ये ने यूज किया ना नॉट इक्वल के लिए, इस तरीके से हम किसी चीज को जब कंपेयर कर रहे होते हैं और उससे ये कह रहे होते हैं कि वो उसके इक्वल नहीं है तो हम याले साइन यूज करते हैं। अब आप भी इसको करें, शाबाश। स्टार्ट से करते हुए आए, अपने कोड को स्टार्ट से मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, नंबर्स तो ऐसे ही रहेंगे, फिर लाइन नंबर 2 पे देखें आपने क्या चेंजेस करनी है। ठीक
पहले इवन नंबर थे, अब आपने ऑड नंबर बनाने। ठीक है, तो ये अब ये एक लिस्ट बन गई ऑड नंबर की। ये सही है, यहीं पे आपने चेंजेस करनी है, करें। यहाँ पे चेंजेस हो गए या नहीं? सर आप क्या कर, नॉट इक्वल करना है ना आपने, बताए आपको कैसे करते हैं? वन इक्वल को रिमूव करें, एक इक्वल साइन रिमूव करें, टू के बाद जो लिखा हुआ है जी, जहाँ पे आपका कर्सर है, परसेंट, ये वाला साइन नहीं, वो तो रहेगा मॉड्यूलर साइन, टू से पहले जी। जी नज़र नहीं आ रहा ये आपके कर्सर में, ठीक है। अब टू के बाद आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, जो मतलब लाइन के नीचे डॉट होता है ना, वाला साइन लगाना है टू के बाद। ठीक है, इससे क्या होता है, हम चेक कर रहे होते हैं कि कोई भी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू का इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी के लिए हम नॉट इक्वल के लिए कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको रन करें, चेक करें आपने ठीक किया है या नहीं। ठीक है, तो आपके क्या हो गए, ऑड नंबर यहाँ पर प्रिंट हो गए। समझ में आ गया आपकी? यस ठीक है, इसको सेव कर लें, फिर मुझे दूसरा क्वेश्चन देना। ठीक है, अब आपने लिस्ट नंबर्स के ही यूज करनी है, उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को सेपरेट करना है, ठीक है। कौन करेगा जल्दी बताएं, टाइम वैसे भी कम है। सर मैं कर लेती हूँ। ठीक है, करें। लेकिन आपने अब देखें दो लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट आपने बनानी है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, एक लिस्ट आपने बनानी है नेगेटिव नंबर्स के लिए, और दोनों में अलग अलग वो बताया कि पॉजिटिव नंबर ये हैं और नेगेटिव नंबर ये हैं, ठीक है। करें, शाबाश। ठीक है, अपने लिस्ट के अंदर कुछ नेगेटिव नंबर्स भी दे दें, ताकि, नहीं, आपने एक लिस्ट बनानी है नंबर्स की, ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर मिक्स होंगे जी, फिर आपने सेपरेट करने हैं उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे आपने अभी इवेन और ऑड कर दिया ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी।
है, फिर आपने नेगेटिव के लिए भी अलग से बनाना है, एक ही साथ जो है ना दोनों चीजें करनी है। नहीं समझ में आया ये क्या हो रहा है? प्रिंट स्टेटमेंट को आप फॉर लूप से बाहर लिखेंगी, ठीक है, सबसे एंड में, यहाँ पे आपने प्रिंट किया है ना जी, ये फॉर लूप में क्या होता है, वो बार बार जब तक तो फॉर लूप चलेगा स्टेटमेंट भी रन होता रहेगा। ठीक है, अब जहाँ पे आपने ये लिखा है ना प्रिंट नेगेटिव, इसके साथ छोटी सी स्ट्रिंग भी लिख देंगे, नेगेटिव नंबर आर इस तरीके से करके,
गुड, अब पॉजिटिव के लिए भी लिखते हैं। लाइन ठीक है, अब रन करें तो अब यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव नंबर इन द लिस्ट और पॉजिटिव नंबर। क्या मिस्टेक है? नेगेटिव में वो पॉजिटिव शो कर रहा है, पॉजिटिव में नेगेटिव। गुड, तो बेसिकली जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो लेस देन 0 होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये। अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे अब आप जो नंबर्स हैं ना, अभी इसको सेव ना करें, रुकें। ये जो आपने लिस्ट बनाई है नंबर्स, इसके अंदर 0 डाल लें, ऐसा करें, सारे एलिमेंट रिमूव करें और सिर्फ 0 डाल दें। अब ठीक है, अब इसको रन करें। अब देखिए, नेगेटिव नंबर्स 0, पॉजिटिव नंबर्स भी 0 आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आप जहाँ पे कंपेयर कर रही हैं वहाँ पे इक्वल का साइन हटा है। लाइन नंबर 5 पे देखें, इफ नंबर लेस देन 0 होगा। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ग्रेटर देन 0। अब इसको रन करें। तो आप ये देखें, द नंबर इज 0 वाला स्टेटमेंट भी रन हो रहा है, और जहां पे आपने ये लिखा है कि नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स आर, और उसमें देखें एम्प्टी है, इसका मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, जब नंबर 0 है तो ना उसके अंदर पॉजिटिव नंबर थे ना उसके अंदर नेगेटिव नंबर थे। ठीक है, अब जो है आप अपने लिस्ट के अंदर जो नंबर है उसके अंदर कोई भी नंबर्स दें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। रैंडमली कोई से भी पॉजिटिव और नेगेटिव दे दें। जब भी हम कोड लिखते हैं ना, तो हम हर पॉसिबल चीज एरर को चेक करते हैं कि कहीं ऐसे करने से क्या आउटपुट आएगा, ऐसे करने से क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो अब जब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दिए तो उसने सेपरेट कर दिया। जब उसके अंदर ना पॉजिटिव थे ना नेगेटिव थे तो उसने खाली एम्प्टी दे दिया था, क्योंकि उसमें जब नंबर्स ही नहीं थे। ठीक है, तो आप इसको सेव कर लें अपने पास। हमने दिन कितने दिन में तो ये जैसे ये बैठ गए जैसे ऐसा ले जाओ कुछ भी लिखते हैं अब। चाहिए
पहले चेक कर लें इसको रन करके आउटपुट क्या आ रहा है। पहले नहीं, आपने प्रिंट भी करवाना होगा ना, यहाँ प्रिंट लिखते हैं, इसको रिमूव करें वो अपर केस में। ठीक अब इसके अंदर आपने जो जीरो नाम के एक लिस्ट बनाई है वो कॉल कर दें। ठीक है अब इसको रन करें। ठीक है अब देखें पॉजिटिव नंबर अलग हो गए, नेगेटिव अलग हो गए और जीरो की जो लिस्ट है वो अलग हो गई। ठीक है उसके साथ आप कुछ भी ऐड कर सकती हैं कि जीरो नंबर्स आर इन द लिस्ट सो ऑन, कुछ भी करके। ठीक है मुबशर, फिर आप भी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ओके okay. गुड। ठीक है आपने अच्छा बनाया कोड, सारी चीज़ें अच्छे से करा, आप भी मुबशर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ओके ठीक है, तो क्लास का टाइम यहाँ एंड होता है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह.